कोई भी बिल आता है उसकी 3 रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। सेकेंड एंड थर्ड जो है हम लोगों की बहुत एक एवरेज टाइम लेती है, बट द सेकेंड रीडिंग इज़ द लेंथीएस्ट वन। ठीक है, 3 रीडिंग्स होती हैं बच्चे, बट 5 स्टेजेस हैं कोई भी बिल पास करने की। हाँ जी, फर्स्ट रीडिंग, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, दैट इज़ योर ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, एक होते हैं हम लोगों के, दैट इज़ योर फाइनेंस बिल, और इसी के अंदर आते हैं दैट इज़ योर मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल किसी का कोई भी ताल्लुका जो है पैसों के साथ नहीं होता, जैसे कल एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। सो ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बच्चे हम लोगों के। सो ये कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द ईदर मिनिस्टर और ईदर एनी अदर मेंबर हु इज एन MP, कोई भी कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, द फर्स्ट रीडिंग के अंदर हम लोगों की कोई डिस्कशन नहीं होती, दैट इज नो डिस्कशन ऑन द बिल, एंड द बिल इज पब्लिश इन द गेजेटियर ऑफ द इंडिया। तो इस पे छप के आता है, कभी भी आप पार्लियामेंट्स के अंदर देखोगे तो आपके आगे ना एक ब्रोशर सा पड़ा होता है, तो उसके अंदर जो आपकी डिस्कशन होनी है, जो बिल आपका पेश हुआ है, तो वो आप लोग पढ़ भी सकते हो पहले, है ना, और उसकी ट्रांसलेशन भी होती है इंग्लिश। और पूछ लेते हैं कई बारी कि बिल की किस स्टेज के अंदर डिस्कशन होती है, क्या फर्स्ट में होती है, तो देर इज़ नो डिस्कशन, सिर्फ टाइटल पढ़ा जाता है और रीड किया जाता है कि क्या है ये एक्चुअली में, ताकि सभी एक बारी रीड आउट कर। नेक्स्ट इज नाउ दैट इज योर सेकेंड रीडिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे कॉम्प्लेक्स है हम लोगों की रीडिंग, और ये सबसे ज़्यादा अच्छे से समझना है कि एग्जैक्टली सेकेंड रीडिंग में क्या बताया जाता है। तो सेकेंड रीडिंग में बच्चे डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है, क्या आया, क्यों आया, किस लिए पेश हुआ, क्या मोटिव है उसका, तो एक एक उसका जो क्लॉज है वो आपके तोड़ा और फोड़ा जाता है। ठीक है, दैट इज अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप, और अपनी फाइनल शेप वो यहीं पे लेता। अगर उसमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं किसी भी तरीके के, तो वो इसी स्टेज में होंगे, ना फर्स्ट में होते हैं बच्चे, ना थर्ड में होते हैं, यही चेंजेस होते हैं हम लोगों के। ठीक है, इंटरनल डिस्कशन, द कमेटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज, ये सबसे मतलब कि लेंथी है हम लोगों की। तो इसके अंदर बच्चे फर्दर हमारे 3 स्टेप्स आते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज और सब स्टेप्स आते हैं। कहते हैं सबसे पहले होता है दैट इज़ योर जर्नल डिस्कशन, दूसरा दैट इज़ योर कमेटी स्टेज, एंड थर्ड वन इज़ योर कंसिडरेशन स्टेज। द प्रिंटेड कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी वन, टू द ऑल। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये लिखा है, द बिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल, इज डिस्कस्ड जर्नली। अब जर्नल डिस्कशन है तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्या होता है हम लोगों का, जर्नली हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने बताया क्या मोटिव है, क्यों आया गया है, क्या ऐसा हुआ था कि हमें इस बिल को लाने की जरूरत है, कितने केसेस हैं, क्या सब कुछ है। ठीक है, हाँ जी, बट द डिटेल्स ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस्ड, या तो ना डिटेल्स नहीं डिस्कस होती, बट एक जर्नल व्यू होता है। At this stage, the house can take only one of the following. अब हम लोगों ने कोई बात की है ना, जैसे suppose करो वुमेन सेफ्टी के ऊपर ही है, हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों लेके आ रहे हैं ना, बहुत सारे रेप केसेस हैं और ये सब कुछ है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि अब हम लोग ऐसा ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था ना, कि डॉक्टर्स के लिए भी है ना, और सबके जो भी प्रोफेशनल एंडेड हैं उन सब के लिए, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, जो उतने भी प्रोफेशनली हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में हैं या कुछ भी हैं। कहते हैं तो हमने इसको जनरली देखा, उसके बाद कहते हैं हमारे पास ना अगेन 4 एक्शंस हैं कि हम उस बिल के साथ कर सकते हैं। कहते हैं 4 एक्शंस क्या हैं, टेक द बिल इनटू द कंसिडरेशन, सीधे ही कंसिडरेशन में ले लो, एक अच्छा बिल बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक आया हुआ। कहते दूसरा क्या है, रेफर इट टू द सेलेक्ट कमेटी। कहते थर्ड क्या है, कहते रेफर इट टू द ज्वाइंट कमेटी। सेलेक्ट क्या होता है बच्चे, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के अंदर तो राज्यसभा के, ज्वाइंट के बीच में क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स हो सकते हैं। उसको कमेटी के पास भेज दिया जाए और वो कमेटी डिस्कस करेगी कि और क्या चीज़ें हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उसमें। सो पूरी स्क्रूटनी होती है, बहुत कुछ होता है, पब्लिक ओपिनियंस लिए जाते हैं, जैसे आपका IPC BNS बना तो हम लोगों ने उसको भेजा उसको
कि क्या है, कमेटीज के अंदर भेजे हम लोगों ने। एंड लास्ट वन बच्चे आपका चौथा ये हो सकता है कि उसको पब्लिक ओपिनियंस के लिए भेज दिया जाए, जैसे आर्टिकल नंबर 370 को रिमूव किया गया था, तो एक बारी के लिए हुआ था ये आपका कि वहाँ के लोगों को पूछा गया था, ठीक है, नॉट ऑन द सबको पूछा गया बट ओवरऑल एक जनरल सर्वे ज़रूर हुआ था कि हम लोग ऐसा कर दें तो कैसा रहेगा, है ना, एंड सो ऑन। तो जनरल ओपिनियन के लिए भी भेज देते हैं वो लोग। तो उसके बाद बच्चे अगर हम लोगों ने ये चीज़ कर ली तो उसके बाद क्या आता है, हमारी कमेटी स्टेज आती है। तो कमेटी स्टेज में क्या चीज़ें होती हैं, दैट इज़ योर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हुआ। अगर हमने BNS लेके आए थे तो उसका पूरा आप लोगों को बताऊं कि आपका क्लॉज बाय क्लॉज जो है उसको डिस्कशन हुई। मैं आप लोगों की फैक्ट बताती हूँ, IPC के अंदर ना चार होते थे हमारे जो पनिशमेंट्स थी, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स। BNS के अंदर ना बड़ी सुंदर एक चीज़ आई है, दैट इज़ योर कम्युनिटी सर्विस करके। तो जो छोटे मोटे अपराध से नहीं करते आपके, है ना, किसी के घर ऐसे कुछ कर दिया है ना, या फिर वो गुनाह भी नहीं है और उसको ऐसे भी नहीं जान देना चाहिए, है ना, कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए अब कम्युनिटी सर्विस ना हम लोगों ने BNS में पेश किया। और उसके अंदर हम लोग ना किसी एक क्रिमिनल को या फिर एक बंदे को, अपराधी को, पता है क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं चलो तुम ये सफाई करो 2 घंटे, तुमने पेड़ काटा 100 पेड़ लगाओ, अपने हाथों से लगाओगे, रोज़ पानी देने आओगे, है ना। ऐसे कोई भी आपके तरीके की ना आपकी यहाँ पे इनोवेशन है, ये वेस्टर्न टाइप ऑफ मॉडल था पहले ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था, हमारे यहाँ नहीं होती थी ये चीज़ें। बहुत सारी मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, आपकी आपके उसमें भी क्या सीरीज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने, अपने में से हाथ जुड़वाओ, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी। तो ये वेस्टर्न था पर हमने भी इसको ऑप्ट किया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जब ऐसा कुछ हुआ है ना, लीगल कमेटीज़ ने बताया होगा, लॉ कमेटीज़ ने हमें ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करना होगा, लॉ आपके क्लॉज बाय क्लॉज चीज़ें चली हैं जिसके अंदर रेप की डेफिनेशन हम लोगों ने फिर से रीडिफाइन की है BNS के अंदर, पर जेंडर न्यूट्रल तो नहीं है आपका, सिर्फ वुमेन्स आर द मतलब कि मोर सुपीरियर अभी तक। पहले IPC में भी ऐसा था, BNS के अंदर भी ऐसा ही था। तो हम चाहते थे कि सिर्फ फीमेल रेप क्यों, मेल्स के भी रेप होते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाए, पर वो चीज़ अभी तक नहीं आई, क्योंकि ओवरऑल हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि अभी तक हम लोग लड़कियों को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अभी तक इतना ठीक है। सो ऐसा होता है बच्चे, जबकि आपकी कमेटी स्टेज के पास आती है, यू एग्जामिन द बिल थॉरली एंड डिस्कस इट क्लॉज बाय क्लॉज। अब देखो जब आपका ये फर्स्ट निर्भय केस हुआ था दिल्ली का, तो जस्टिस फर्मा कमेटी बैठी थी, तो स्टॉकिंग वॉज फर्स्ट डिक्लेयर्ड, है ना, कि एज अ क्राइम। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी हम लोगों की, स्टॉकिंग पहले कभी भी क्राइम नहीं थी, एंड दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ योर क्राइम, जो ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि आप किसी को पीछा कर रहे हो, कहीं पे स्टॉक आउट कर रहे हो, कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या पाथ फॉलो करती है। सो अब क्या है, शायद जब आपके ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हो, है ना, या कुछ हो रहा हो, तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं और उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, बट उसका जो प्रिंसिपल है ना वो चेंज नहीं होगा कि स्टॉकिंग की बिल्कुल डेफिनेशन ही चेंज कर ही हो जाए, है ना। तो कहते हैं जो जनरल मतलब है उसका वो नहीं चेंज होना चाहिए, आप थोड़ा बहुत अमेंड कर सकते हो, दैट इज विदाउट द अमेंडिंग योर जनरल प्रिंसिपल जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। सो यू कैन अमेंड विदाउट ऑल्टरिंग द प्रोविजंस, ठीक है। अब तक हमने अच्छे से सब कुछ कर लिया है जो आपका मिसयूज हो सकता था चीज़ों का, है ना, एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने आगे चले, दैट इज टू द कंसिडरेशन स्टेज जी। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कोई मान जाएगा, कुछ लोग आपके इसके फेवर में भी होंगे और कुछ आपके अगेंस्ट में भी होंगे। तो ये चीज़ें सब कुछ हुई बच्चे हम लोगों की, दैट इज ईच क्लॉज इज डिस्कस एंड वोटेड अपॉन द सेपरेटली, एंड द मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव द अमेंडमेंट इफ एक्सेप्टेड दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिल। तो सब कुछ जो होगा ना वो ये इसी स्टेज में होगा, दैट इज योर सेकंड स्टेज के अंदर। थर्ड बच्चे रीडिंग में सीधे या तो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होती है हम लोगों की। नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड हेयर बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो अमेंडमेंट्स प्लीज अंडरलाइन। ऑथेंटिकेट करने के बाद बच्चे हम लोग उसको ट्रांसमिट कर देंगे टू द अदर हाउस फॉर द कंसिडरेशन एंड द अप्रूवल। A bill is deemed to have been passed by the parliament only when the both houses are agreed either with or without amendments. ठीक है बच्चे,
लग गया पता। नाउ द बिल इन द सेकेंड हाउस, अब हमने ट्रांसमिट कर दिया ना उसको, तो जी सेकेंड हाउस में क्या होता है, जितने भी हम लोगों ने पढ़ा बच्चे, ऐसा नहीं है कि सब डिफरेंट हो जाएगा, सेम स्टेजेस हम लोगों की बिल की सेकेंड हाउस में भी होंगी। सेकेंड हाउस में भी चलते हैं एंड दैट इज द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड रीडिंग। देर आर फोर ऑल्टरनेटिव्स फॉर दिस हाउस, सब चीज़ें जो भी पढ़ा सब कुछ सेम। उसके बाद क्या होता बच्चे, नंबर वन या तो क्या कर सकता है बच्चे, वेश कर देगा उसको कि हमने ये अमेंडमेंट किए हैं आप फिर से रिकंसिडर कर लो, या दूसरा क्या होगा हम लोगों का, विद अमेंडमेंट्स हम लोगों ने क्या करा आपका रिटर्न ही कर दिया फर्स्ट हाउस को, या विदाउट अमेंडमेंट्स या आपका विद अमेंडमेंट्स। उसके बाद बच्चे या तो सारा रिजेक्ट ही कर दे कि ये बिल्कुल भी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल मना, या फिर आपका बिल के ऊपर कोई एक्शन ना ले और वो पेंडिंग ही पड़ा रहे। ये चॉइसेस होती है और इसको याद रखना ये ऑर्डिनरी बिल के लिए पड़ रहा है, बट जब हम मनी बिल पढ़ेंगे बच्चे वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती।